ये दुनिया विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। कोई आकार में इतना छोटा है कि उसे आंखों से सरलता से देखा नहीं जा सकता, बल्कि कोई इतने विशाल होते हैं कि उन्हें करीब से पूरा देख पाना असंभव है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जंगल के दो ऐसे जानवर, एलिफेंट और हिप्पो, जो जंगल के शांत जानवर होने के साथ साथ काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। हिप्पो और एलिफेंट दोनों ऐसे जानवर हैं जिनके सामने जाने से जंगल का किंग भी डरता है। इस वीडियो में आप इन दोनों जानवरों के बारे में रोचक जानकारी जानेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में एलिफेंट वर्सेस हिप्पो की फाइट के बारे में जानेंगे। इन दोनों जानवरों में से कौन सा जानवर ज़्यादा खतरनाक है? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एलिफेंट से जुड़ी रोचक जानकारी से। एलिफेंट यानी हाथी पृथ्वी पर मौजूद विशाल और ताकतवर जानवरों में से एक है। इस पृथ्वी पर हाथियों की दो प्रकार की प्रजातियां मौजूद हैं, जो कि अफ्रीकी और एशियाई हैं। इनके शरीर की आकृति भी बेहद अनोखी व खूबसूरत है। हाथियों के 4 फीट लंबे कान इनके लिए एक पंखे का कार्य करते हैं। वहीं इनकी मुंह से लेकर पैर तक की लंबी सूंड इनके लिए काफ़ी उपयोगी होती है। एक नर अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 6000 किलोग्राम से लेकर 7000 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं एशियाई हाथी का वजन 4000 किलोग्राम से लेकर 5000 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर हाथियों का रंग ग्रे स्लेटी कलर का होता है। अपने विशाल आकार होने के बाद भी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। पृथ्वी पर मौजूद यह स्तनधारी जीव शांत होने के साथ साथ बेहद गुस्सैले भी होते हैं। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्हें जब गुस्सा आता है तो ये बड़े से बड़े विशाल पेड़ों को जड़ से उखाड़ देते हैं। हाथी एक शाकाहारी जीव है और यह भोजन के रूप में घास और पेड़ पौधों की पत्तियाँ ही खाते हैं। जंगल में मौजूद सभी जानवरों में से हाथी ही एक ऐसा जानवर है जिसके 4 घुटने होते हैं। वहीं इनके सूंघने की शक्ति भी काफ़ी अधिक होती है। ये पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से भी सूंघ सकते हैं। हाथी के विशाल आकार और अत्यधिक ताकत होने के कारण शेर, लैपर्ड और अन्य शिकारी इनके सामने जाने से डरते हैं। हालांकि एशियाई हाथी की जनसंख्या अफ्रीकी हाथी की तुलना में बेहद कम है। जहां पूरी दुनिया में अफ्रीकी हाथियों की आबादी 13 लाख से अधिक है, वहीं एशियाई हाथी इस पृथ्वी पर अब महज 60,000 ही मौजूद हैं। हाथियों का जीवनकाल 70 वर्ष तक का होता है। हाथियों की जनसंख्या के कम होने का कारण इनका मनुष्य द्वारा किया गया अवैध शिकार है। दरअसल हाथियों के 2 हाथी दंत, जिन्हें गजदंत भी कहते हैं, जो कि हाथी के मुंह से बाहर निकले होते हैं, ये बेहद कीमती होते हैं, जिसके कारण हाथियों का अवैध शिकार किया जाता है। आइए अब जानते हैं जंगल के दूसरे जानवर हिप्पो से जुड़ी रोचक जानकारी। हिप्पोपोटामस जंगल के सबसे आक्रामक जीवों में से एक है, जिन्हें दरियाई घोड़े के नाम से भी जाना जाता है। यह वजनदार और स्तनपायी जीव दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन बफेलो के बाद दूसरा सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। एक नर दरियाई घोड़े का वजन करीब 4000 किलोग्राम तक हो सकता है। दरियाई घोड़े अपना अधिकतर समय नदियों और तालाबों में बिताते हैं। हालांकि ये जीव शाकाहारी है और यह भोजन के रूप में सिर्फ घास ही चरते हैं। इनके शरीर की बनावट काफ़ी छोटी होती है, लेकिन ये आकार में काफ़ी मोटे होते हैं, जो कि 5 फीट ऊँचे और 4 फीट लंबे। दरियाई घोड़े की चमड़ी के नीचे चर्बी की एक बहुत मोटी परत होती है। इनकी त्वचा भी बेहद संवेदनशील होती है, इसलिए यह जीव धूप से बचने के लिए अधिकतर समय पानी में रहता है, जिसके कारण मादा दरियाई घोड़ा भी बच्चों को पानी में ही जन्म देती है। इसके अतिरिक्त हिप्पो 4 से 5 मिनट तक पानी में सांस को रोक सकते हैं। हालांकि ये बेहद शांत जानवर होता है, लेकिन खतरा महसूस होते ही ये बेहद आक्रामक भी बन जाते हैं। ये अपने जबड़े को 4 फीट तक खोल सकते हैं। हिप्पो के सामने जाने से जंगल के दूसरे शिकारी भी डरते हैं। वहीं पानी का राजा मगरमच्छ भी इनसे दूर ही रहता है। इनकी अधिकतम रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं इनका औसतन जीवनकाल 40 से 45 वर्ष तक का होता है। आइए अब जानते हैं एलिफेंट वर्सेस हिप्पो की फाइट के बारे में। इन दोनों शांत जानवरों में से कौन सा जानवर ज़्यादा खतरनाक है? हाथी की आकृति हिप्पो की तुलना में 3 से 4 गुना बड़ी होती है। वहीं ताकत के मामले में भी हाथी हिप्पो से कई गुना ताकतवर होता है। ताकत के साथ साथ हाथियों के पास 2 विशाल गजदंत होते हैं, जो किसी भी शिकारी को आसानी से चीर सकते हैं। वहीं हिप्पो अन्य शिकारियों से अपनी रक्षा के लिए अपने जबड़े को 4 फीट तक खोल देता है, जिससे कि ये अपने आप को बड़ा दिखा सके। इसके अतिरिक्त रफ्तार के मामले में भी एलिफेंट हिप्पो से तेज़ दौड़ सकते हैं।
दोनों ही शांत और शाकाहारी जीव हैं। एलिफेंट और हिप्पो दोनों ही अपने इलाकों में किसी अन्य जानवर को प्रवेश करने नहीं देते हैं। साथ ही ये दोनों जानवर झुंड बनाकर ही चलते हैं, जिससे इनकी ताकत भी बढ़ जाती है। लेकिन एलिफेंट और हिप्पो की फाइट में आकार, ताकत और रफ्तार में एलिफेंट हिप्पो को आसानी से हरा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों जानवरों में से कौन सा जानवर ज़्यादा खतरनाक है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस तरह की एनिमल फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।